वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई मैथ्स क्लास। लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कि हमारे पास आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एज पर न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस्ड बाई CBSE। तो आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपकी बहुत सारी क्वेरीज दूर होने वाली हैं रिगार्डिंग केस स्टडी क्वेश्चंस के। तो हम पहले अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सरस्वती माता का मंत्र बोलते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में याद करवाया था। ओम एहिकली महा सरस्वती देवीय नमः, ओम देव गुरु विद्याधिपते बृहस्पते नमः। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। अब आपको मैंने जो उसका प्रीवियस मैंने आपको एक आपने जो वीडियो पोस्ट किया था और आपने देखा होगा, उसमें मैंने न्यू पैटर्न की बात करी है जो CBSE ने इस साल के लिए मैथ्स के पेपर के लिए डिसाइड किया है कि हमारा मैथ्स का पेपर किस पैटर्न पर आने वाला है। तो उसमें हमारे चार क्वेश्चन केस स्टडी के हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, तो इसका मतलब 16 नंबर हमारे पास केस स्टडी के रहने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारे पास केस स्टडी के रहने वाले क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपके साथ इस सेशन में सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, आप उसको ध्यान से समझेंगे और आज आप उसको ट्राई करेंगे। डेली मैं एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, तो आपको जो आपका फोबिया है केस स्टडी को लेकर वो आपका बहुत आराम से निकलने वाला है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले हम अपना 17th क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एक बात और आप ध्यान से सुनेंगे कि हर क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शंस होंगी, तो आपको कोई 4 अटेम्प्ट करनी है, तो एक की चॉइस रहने वाली है आपके पास। हर 5 में से कोई 4, हर क्वेश्चन में आपके पास 5 ऑप्शंस होंगी, आपको कितनी अटेम्प्ट करनी है, 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 1 मार्क्स का होगा हर पार्ट इसका। तो हम एक फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट पढ़ते हैं। हमारे पास क्या केस दिया हुआ है, हमारे पास एक केस दिया हुआ स्प्रिंटर के बारे में। बेटा स्प्रिंटर क्या होता है पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्प्रिंटर वो होता है जो रेस करता है बहुत फास्ट, जैसे 100 किलोमीटर का रेसर हो गया स्प्रिंटर, उसको बोलते हैं। स्प्रिंट इवेंट्स इन अ ट्रैक एंड फील्ड यूजली कंसिस्ट ऑफ ए 100 मीटर 200 मीटर एंड 100 मीटर रेस दैट 60 मीटर डैशेज आर ऑल्सो हेल्ड ऑन ओकेजन। दीज रेसेज आर लार्जली बेस्ड अपॉन द एथलीट्स एबिलिटी टू एसिलरेट टू हिज और हर मैक्सिमम स्पीड इन द क्विकेस्ट टाइम पॉसिबल। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ एक इवेंट बना दिया गया है, एक कंडीशन बनाई गई है, एक सिचुएशन बना दी गई है, जिसके रिगार्डिंग हमें नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो जो स्प्रिंटर होता है, जो स्प्रिंटर जो शूज़ यूज़ करता है, आपको कभी मौका मिले तो आप देख सकते हैं, अगर आप किसी स्प्रिंटर को जानते हैं या कोई आपका फ्रेंड कोई रेस लगाता है स्प्रिंटर, तो वो स्पाइक पहनता है, नीचे शूज़ के नीचे कीलें लगी होती हैं, निडल की तरह कीलें लगी होती हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। स्प्रिंटर इवेंट्स इन ट्रैक एंड फील्डली यूजली कंसिस्ट ऑफ द 100 मीटर 200 मीटर एंड 400 मीटर रेस थ्रू 60 मीटर डैशेज और ऑल्सो हेल्ड ऑन ओकेजन। दीज रेसेज आर लार्जली बेस्ड अपॉन द एथलीट्स एबिलिटी टू एसिलरेट टू हिज और हर मैक्सिमम स्पीड इन द क्विकेस्ट टाइम पॉसिबल। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन दे रखी है स्प्रिंटर के बारे में कि ट्रैक है 100 मीटर का 200 मीटर का 400 मीटर का और 60 मीटर डैशेस के, वो इस तरह से हम रेसेस को डिसाइड कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ग्रीश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर स्प्रिंट, ही कैन करंटली रन दैट डिस्टेंस इन 45 सेकेंड, बट ही वांट्स टू डू दैट इन अंडर 30 सेकेंड्स which each day of his practice it takes him 2 seconds less. Respond to the above situation by answering the questions given below. ग्रीश इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है 200 स्प्रिंटर रेस के अंदर, जो उसका करंट है रेस का वो है 45 सेकेंड्स में वो कंप्लीट करता है, लेकिन वो ही जीतेगा जो मिनिमम टाइम में कंप्लीट करेगा। तो उसके लिए वो प्रैक्टिस करता है ईच डे, प्रैक्टिस करने के बाद वो अपनी जो रेस है वो 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करना चाहता है, अभी वो कर रहा है 45 सेकेंड में। वो हर दिन जो प्रैक्टिस करता है उस प्रैक्टिस के साथ वो 2 सेकेंड उसको लेस कर रहा है, यानी कि पहले दिन की प्रैक्टिस के बाद जो उसकी रेस है वो 43 सेकेंड्स पर ख़त्म हो गई, उससे अगले दिन की प्रैक्टिस के बाद उसकी रेस फिर हमारे पास
40 हमारे पास 43 से 2 और माइनस करेंगे 41 पर ख़त्म होगी। फिर थर्ड डे की प्रैक्टिस के बाद उसकी रेस और 39 पर काम हो जाएगी। तो आप अगर इसको ध्यान से सोचेंगे तो ये क्वेश्चन आपका एपी से रिगार्डिंग है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आपको वहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपकी केस स्टडी है वो कौन से चैप्टर के रिगार्डिंग बन रही है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि हर चैप्टर को आपको बहुत डीपली पढ़ना है, और डीपली पढ़ने के बाद तभी आपको क्वेश्चंस को देखकर पता लगेगा कि वो आपकी केस स्टडी किसके रिगार्डिंग है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हर दिन जो उसकी स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, जो उसका फिनिशिंग टाइम है वो 2 सेकेंड कम होता जा रहा है। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन एपी फॉर द अबव गिवन सिचुएशंस। अब आपको एपी चेक करनी आनी चाहिए, जैसे आप 5.1 के अंदर करते हैं कि कॉमन डिफरेंसेस अगर सेम है तो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट लगेगा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। बी, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीडेड टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। वो अपना गोल, उसका गोल क्या था, ऊपर ध्यान से देखो, उसने कहा था 30 सेकंड में मुझे कंप्लीट करना है, ये उसका गोल है, तो उसको कितने दिन लगेंगे अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पर वो आंसर देना है आपको। सी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन एपी ऑफ द अबव गिवन सिचुएशंस। इस पूरी सिचुएशन में इनमें से कौन सी टर्म है जो एपी में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन एपी of the above given situation। Next, हमारे पास अब जैसे इसी का सी पार्ट आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। अब वो दो दो दिन अपना टाइम को कंप्लीट कर रहा है। अब जब दो दो दिन अपना दो दो दिन टाइम को कंप्लीट कर रहा है, तो देखो उसके टाइम में क्या यूज़ हो रहा है। उसके टाइम में एक सिचुएशन ऐसी आ रही है, पहले 45 था, फिर 43 हो जाएगा, फिर 41 हो जाएगा, फिर 39 हो जाएगा, 39 के बाद इसे कम करते करते हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑड है जो उसकी एपी में नहीं आएगा। डी नंबर पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इफ़ एक्स वाई जेड आर इन एपी देन एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स यहाँ रेशियो बनाएंगे, यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ होगा एपी का, कॉमन डिफरेंस सेम है, एक्स माइनस वाई और जेड माइनस वाई आपस में इक्वल हो जाएंगे, फिर उनके वैल्यूज़ यहाँ जब हम पुट करेंगे रेशियो के अंदर, तब हमारा ये आंसर निकलेगा। और आंसर की 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बतानी है। ई पार्ट के लिए, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले की बात कर रही, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी। तो हमें यहाँ पर क्या बतानी है, यहाँ पर हमें nth टर्म बतानी है। तो यहाँ पे ये सिंपल एक हमारा फॉर्मूला ही बन रहा है, ए प्लस एन माइनस वन डी वाला, और उसको बहुत आराम से चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके साथ इस सेशन में सिर्फ आपके साथ एक फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है इसका। मेरे पास मैंने हर टॉपिक पर इसके क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो मैं धीरे धीरे आपके साथ अपने वीडियोस के साथ हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और आपका फोबिया दूर हो जाएगा रिगार्डिंग योर केस स्टडी क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं केस स्टडी क्वेश्चंस के अंदर। एक तो हमें पढ़ना बहुत आराम से है क्वेश्चन को, चाहे हमारे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएं, हमें कम से कम 2 बार स्टेटमेंट पढ़नी है, और 2 बार स्टेटमेंट पढ़कर हमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको दिमाग में रखना है, तब हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। दूसरा, हमारी अपनी एनसीईआरटी के रिगार्डिंग हर चैप्टर की नॉलेज हमारी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, जब इसने बात करी इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स कि उसको अपनी प्रैक्टिस ऐसे बढ़ानी है कि वो 30 सेकेंड तक टाइम पहुँच जाए, वो हर दिन प्रैक्टिस से 2 सेकेंड अपना टाइम कम करता जा रहा है, हर दिन 2 सेकेंड कम कर रहा है। तो इसका मतलब वो कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है, और कॉमन डिफरेंस कहाँ पर यूज़ करते हैं, एपी में। तो ये क्वेश्चन पूरे का पूरा किसके रिगार्डिंग था, एपी के रिगार्डिंग है। तो स्टूडेंट्स, आप जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्दी मैं आपके लिए 2nd क्वेश्चन लेकर आऊँगी इसका, तब आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और एक बार इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। Thanks.